हेलो फ्रेंड्स, वायरल न्यूज जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी भी है बागी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बागी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का 14वां दिन है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि आज इस फिल्म का दूसरा हफ्ता खत्म हो जाएगा। तो भैया, इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया है वो है बहुत ही चौंकाने वाला। यानी कि भैया, जो बातें कही जा रही थी कि इस फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको तो याद होगा कि जब बागी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी तो उस दिन इस फिल्म को जो ओपनिंग मिली थी वो थी 17 करोड़ की, और उसी के बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह फिल्म बहुत जल्दी ही 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लेगी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये कारनामा बॉक्स ऑफिस पर नहीं हो पाया, यानी कि जो उम्मीदें थी बॉक्स ऑफिस को कि भैया इस फिल्म से दूसरा सेंचुरी मिलेगा बॉक्स ऑफिस को, यानी कि भैया तानाजी द अनसंग वॉरियर के बाद में यही वो फिल्म थी जो कि बहुत ही तेजी से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म सैकड़ा लगाती कि भैया देश भर के जितने भी सिनेमा घर थे वो एक एक करके बंद होने लगे कोरोना वायरस की वजह से, और उसका सीधा सीधा असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिला। यानी कि भैया बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों ने अपना रिलीज डेट बदल दिया, बहुत सारी फिल्मों का काम रुक गया, बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स का काम रुक गया, यानी कि भैया अभी टोटली बॉलीवुड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो भैया अब तक कितना कलेक्शन किया है बागी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर, तो वो आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। तो भैया, तो अब तक इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 92.68 करोड़ का, यानी कि इस फिल्म को 100 करोड़ के आंकड़े को छूने के लिए कम से कम और 8 करोड़ की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि इस फिल्म ने मंडे को जो कलेक्शन किया था, यानी कि वर्किंग डे पे आती इस फिल्म का जो बिजनेस गिरा था बॉक्स ऑफिस पर वो बहुत ही चौंकाने वाला था। यानी कि भैया 20 लाख कहीं बिजनेस कर पाई थी ये फिल्म मंडे को। अब तो कहा जा रहा है भैया कि हो सकता है कि जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होगा पूरे देश से, तो फिर से एक बार बागी 3 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करेंगे इस फिल्म के मेकर, यानी कि भैया जो नुकसान हुआ इस फिल्म को उसका भरपाई करने का ये कोशिश करेंगे फिर से एक बार सिनेमा घर में रिलीज करके। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यह फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा कर पाएगी, और जब यह फिल्म सेकेंड टाइम अगर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो क्या इस फिल्म का जलवा वैसा ही रहेगा जैसा रिलीज वाले दिन था। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और मारने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।